नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 की शुरुआत हो गई है और शुरुआत होते ही बिहार का राजनीति माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। इसलिए बदलता हुआ दिख रहा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव खामोश हैं। इधर जदयू में जिस तरीके से लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है, जदयू अपने ही गठबंधन के सरकार में शामिल राजद के विधायकों पर जबरदस्त हमले कर रही है। जिस तरीके से मां सरस्वती को अभद्र टिप्पणी करने वाले, अभद्र बातें कहने वाले राजद के विधायक फतेह बहादुर का कल जिस तरीके से हमला हुआ, राजद के लोग ही उनका जमकर विरोध करने लगे लालू राबड़ी आवास के बाहर। उसके बाद से कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बार बार अब पुक करना शुरू कर दिया है कि भाई देखिए, आपके गठबंधन में रहते हुए ये तमाम बातें और तमाम स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी साल 2023 में जो नीतीश कुमार ने गलतियां की हैं, उन गलतियों को याद करते हुए, दोहराते हुए कई बातें कही हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2023 में कई तरह के सियासी उठापटक हुए हैं, कई तरह के राजनीतिक गलियारे में चर्चाएँ हुई हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का इस्तीफा हुआ, नीतीश कुमार ने खुद पार्टी का कमान संभाल लिया और उसके बाद से कई बातें जो हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। इधर लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पुरानी बातें याद दिला रहा है कि आप देखिए 2023 में आपने जो गलतियाँ की हैं, 24 में वो गलतियाँ मत कीजिएगा। यानी कि ये स्पष्ट संदेश दिया जाना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 24 में, चूंकि लोकसभा का चुनाव भी है, और 24 में वो स्थितियां उत्पन्न मत होने दीजिए, अपनी पार्टी को बचा लीजिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता हैं वो इन बातों को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब स्थितियाँ कहीं ना कहीं बदलने वाली हैं। प्रभाकर कुमार मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार के 2023 की गलतियां को याद दिलाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वर्ष 2023 की उपलब्धि नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गई। जंगल राज के सूत्रधार से हाथ मिलाने के बाद जहां बिहार का विकास ठप हो गया, वहीं बालू, शराब और जमीन के माफिया के पौ बारह हो गए और अपराधियों के मनोबल चरम पर है। अब पुलिस पर आक्रमण करने में भी सत्ता संरक्षित अपराधी गुरेज नहीं कर रहे हैं। संगठित अपराध जैसे अपहरण और रंगदारी ने उद्योग का रूप ले लिया है। सवाल यह है कि बिहार संभल नहीं रहा है, उनकी इच्छा भारत के प्रधानमंत्री बनने की है, जबकि उन्हें भी पता है कि भारत की जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ है और उन्हें पुनः प्रधान सभा बनाने का संकल्प ले चुकी है। पीएम पद के लिए दूर दूर तक कोई वैकेंसी नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।